नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जिस पर कोई भी राजनीतिक पार्टी खुलकर बात नहीं करना चाहते, और वो इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि सभी को मुस्लिम वोट चाहिए। सच पूछिए दोस्तों, इस मुस्लिम वोट को पाने के चक्कर में जितना नुकसान हमारे सनातन संस्कृति और देश का हमारे देश के नेताओं ने किया है, उतना किसी भी रिलीजन के लोगों ने नहीं किया है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मुसलमानों में बचपन से ही बच्चों के दिल और दिमाग में अलग रिलीजन के लोगों के प्रति एक जहर भर दिया जाता है, जिसको आप लव जिहाद के एंगल से अच्छे से समझ सकते हैं। इस लव जिहाद में होता यह है कि एक मुस्लिम लड़का अपनी पहचान छुपा के साम दाम दंड भेद अपना के एक नॉन मुस्लिम लड़की को ब्रेन वॉश करता है, और उसके बाद वो उसको इस्लाम में कन्वर्ट करता है। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है। और दोस्तों, ये जो सिलसिला है लव जिहाद का, ये अभी से नहीं, जब से इस्लाम की उत्पत्ति हुई है तब से जारी है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं। वहीं हमारे देश को आज आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, और इन 75 वर्षों में देश में बहुत कुछ हुआ। बहुत सी पार्टियां बनी, बहुत सी पार्टियां बिगड़ी, बहुत से लोग सत्ता में आए और चले भी गए, पर किसी ने भी इस लव जिहाद के खिलाफ आज तक कोई कानून भी नहीं बनाया, जिसका फ़ायदा हर रिलीजन के लोग हिंदुओं का शोषण करके उठाना चाहते हैं। इस लव जिहाद में कुछ मुस्लिम लड़के कामयाब हो जाते हैं और कुछ मुस्लिम लड़के कामयाब नहीं होते हैं, और जो इसमें कामयाब नहीं होते हैं वो नॉन मुस्लिम लड़की को मार के काट के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कचड़े के ढेर में फेंक देते हैं। यानी कि जिन लड़कियों को मुसलमानों की हकीकत पता चल जाती है और वो इस्लाम को अपनाने से साफ इनकार कर देती हैं, उन लड़कियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आपने अक्सर इस टाइप की न्यूज़ पेपर में पढ़ी, सुनी, देखी होगी, पर अफसोस है कि आप लोगों ने कभी भी इन चीज़ों को खुद से समझने की जहमत तक नहीं उठाई। अगर ऐसा किया होता तो शायद आज मैं ये वीडियो भी नहीं बना रहा होता। अब मैं आपको एक लड़की का बयान सुनवाता हूँ ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए कि आखिर मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या मैसेज देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप इस लड़की के बयान को सुनिए। क्या हुआ था, क्या नाम बता के आपको, मतलब झूठा नाम भी है, पूरी कहानी बताओ क्या क्या रहा। उसने मुझे मेरा नाम विकास बताया था और मुझे से मिल गया था। विकास नाम, मैं हिंदू का हूँ, मेरा नाम विकास है, शादी करना चाहता हूँ तुमसे। सीधा कल्याण लेके गया मुझे। अच्छा, फिर वहाँ क्या बुरखा पहनने के लिए क्या कहता था? बुरखा पहनने का जवाब डालता था, करो बुरखा पहनो, फिर मैंने मना किया। इस बीच पर बात से हमारे लड़ाई होती थी दोनों में। फिर हम वहाँ पे एक मुंडा है, फिर वो घाटा लेके आया मेरे को, घाटा पे पता लगा कि वो मुंडा है। अच्छा, नाम भी मुझे तभी पता लगा था उसका, उसका नाम नहीं है। अच्छा अच्छा, अब क्या चाहते हैं? अब तो मैं चाहती हूँ उसको तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तो कितने दिन से घर से नहीं निकल लिया आप? डेढ़ महीना हो गया मेरे को, यहाँ पे घर से बाहर नहीं जाते। क्यों? डर सा रहता है, सब बहुत सारे सब्जेक्ट में सा घूमने चल रहे हैं, करने में घर आज मेरे मन पापा बोल रहा है। तो सुना दोस्तों आपने, इसमें ये लड़की कह रही है कि एक मुसलमान ने हिंदू बनके मुझे अपनी बातों में फंसाया और अपने साथ लेके गया, जहां मैं एक महीने उसके साथ रही, और इस एक महीने के दौरान उसने मुझे बुरखा लाके दिया। तब जाकर मुझे पता चला कि वो हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान है। लड़की वहां से भागकर अपने माँ बाप के पास पहुँचती है और उस लड़के की करतूत बताती है। माँ बाप का कहना है कि हम कुछ कर पाते उससे पहले ही लड़के ने हमें रास्ते में रोका, लड़की को अपने हवाले करने के लिए कहा, ऐसा ना करने पर पूरे परिवार का सरतन से जुदा कर देने की धमकी दी। पर अच्छी बात यह है कि अब लड़का पकड़ा भी जा चुका है और कानून के हिसाब से उसको सजा होगी। पर समझने की बात दोस्तों यह है, क्या इसमें लड़की और लड़की के माँ बाप दोषी हैं या नहीं? क्योंकि लड़की ने अपने बयान में इस बात को स्वयं स्वीकार किया है कि मैं अपनी मर्जी से उस लड़के के साथ गई थी, जहां मैं एक महीने रही, और इस एक महीने के दौरान मुझे पता चला कि वो हिंदू नहीं बल्कि एक मुसलमान है। कहते हैं दोस्तों कि लड़की का सबसे अच्छा और करीबी दोस्त उसकी माँ होती है। ऐसे में इस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार को ये सारी बातें क्यों नहीं बताए? इसलिए लड़की भी दोषी है और उसको भी सजा होनी चाहिए। वहीं इसके
माँ बाप को इस बात की सजा होनी चाहिए कि आपने अपनी बेटी को किस तरह के संस्कार दिए हैं कि जिस लड़की को आपने पाल पोस के बड़ा किया उसको आपसे ज़्यादा उस लड़के पे भरोसा हुआ जिसको वो अभी एक दो साल से ही जानती है। ऐसे में लड़की के माँ बाप की परवरिश पे सवाल उठते हैं और वो भी दोषी हैं और उनको भी सजा मिलनी चाहिए। पर अफसोस इस बात का है कि ऐसा कोई कानून नहीं है, इसलिए सजा की उम्मीद नहीं की जा सकती। वही क्वेश्चन आप अपने आप से कीजिए कि हिंदुओं का शोषण हर रिलीजन के लोग क्यों करना चाहते हैं। तो इसका सीधा सिंपल जवाब ये है कि हिंदुओं को दुनिया भर की नॉलेज होती है, हर रिलीजन के बारे में थोड़ा बहुत पता होता है, पर उसको अपने धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। यानी कि हिंदू ना तो अपने वेदों को पढ़ता है ना ही शास्त्रों को, यहाँ तक कि अपने पूरे जीवन काल में वो एक बार भी गीता को पढ़ने की जहमत तक नहीं उठाता। और यही वजह है कि हर रिलीजन के लोग हिंदुओं का ही शोषण करना चाहते हैं। इस बात को मैं अपने रक्त से लिख के दे सकता हूँ कि अगर किसी हिंदू ने अपने वेदों का, शास्त्रों का, यहाँ तक कि सिर्फ एक बार अपनी गीता को ही पढ़ लिया ठीक से, तो वो कभी भी दूसरे रिलीजन के बारे में सोचेगा भी नहीं, अपनाना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए मेरा सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अपने बच्चों की जो शुरुआती शिक्षा है वो ABCD की जगह पर अगर आप अपनी गीता को ही हिंदी इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो इससे बच्चे का बेहतर विकास हो सकेगा, उसको एक भाषा पर अच्छी कमान होगी, वो अच्छे से हिंदी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सकेगा, साथ ही उसके ब्रेन का अच्छे से विकास होगा। जब उसके ब्रेन का अच्छे से विकास होगा तो जाहिर सी बात है वो अपने फ्यूचर को अच्छे से सिक्योर कर सकेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को रेड बटन को ऑल पर सेलेक्ट करके सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके।